गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 3, अवर चेंजिंग अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स जो हैं वो क्यों मूव करती हैं? हमारी अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं, हमने लेसन में रीड किया था। प्लेट्स मूव बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या था? मोल्टन मैग्मा, और उसकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं और अर्थक्वेक्स भी आती हैं जब। व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। व्हाट आर दीज? फर्स्ट एंडोजेनिक, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। अर्थ के अंदर जो फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स होता है वो क्या है? एंडोजेनिक। एंड सेकंड इज एक्सोजेनिक, द फोर्स दैट वर्क एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर जो फोर्स दिखता है, जो काम कर रहा है, वो क्या है? एक्सोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरोजन? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप by different agents like water, wind and ice. Erosion क्या होता है? जैसे soil की एक layer है तो वो हवा की वजह से, हवा क्या करती है? Soil को उड़ाती है, या पानी के साथ वो बह जाती है ऊपर ऊपर की परत, तो उससे क्या कहते हैं हम? Erosion. और erosion कैसे होता है? Different agents के through, water के through, wind के through and ice के through. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स जो हैं कैसे बनते हैं? व्हेन रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक्स। जब नदी क्या होती है? पूरी भर करके चल रही है, ओवरफ्लो हो रही है, बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है जब उसे पानी को, दे कोज फ्लड इन द नेबरिंग एरियाज। तो क्या होता है? पानी बाहर आ जाता है और आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। द फ्लड वाटर विच टेक्स अवे फाइन सोइल एंड अदर मटीरियल। तो पानी क्या करता है? अपने साथ अच्छी मिट्टी को, फाइन सोइल की जो लेयर है उसको बहा करके ले जाता है, और भी काफ़ी सारे मटीरियल्स जो हैं पानी के साथ चले जाते हैं। एंड डिपोजिट्स देम अलोंग द बैंक्स। और वो कहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं? बैंक्स पर, किनारों पर। दिस डिपोजिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। तो उससे ये फॉर्मेशन जो है बनती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? वाइंड और विंड लिफ्ट और कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विंड जो होती है वो क्या करती है? मिट्टी को उड़ाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। व्हेन दे स्टॉप ब्लोइंग सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। तो जब हवा चलती है तो क्या होता है? मिट्टी उड़ती है, जैसे आंधी आती है, और आंधी जब रुकती है, हवा रुकती है ना, तो क्या होता है? वो मिट्टी एक जगह पर गिरती है और वहाँ पर एक ढेरी सी लगनी शुरू हो जाती है, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे कि कोई छोटी सी हिल होती है, ऊंची सी जगह बन जाती है एक, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर बीच फॉर्म्ड? द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। सी वेव्स जो हैं वो क्या करते हैं? डिपॉजिट सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। जब उसके सी शोर के आसपास जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे होती हैं, तो वो बीच को फॉर्म करते हैं। What are oxbow lakes? Oxbow lakes क्या हैं? When the meander loop come closer and closer, in due course of time the meander cuts off from the river and forms a cut off lake. तो meander क्या होता है? जब काफ़ी ज़्यादा close हो जाते हैं मोड़, जैसे मोड़ दिखाए गए हैं pictures के अंदर, book के अंदर जो हमारी photographs बनी हुई हैं इसकी, तो उसमें क्या है? मोड़ दिखाई दे रहे हैं बार बार, तो वहाँ पर क्या होता है? कुछ हिस्सा जो है कट करके अलग हो जाता है, किनारा सा बन जाता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक।
reasons questions are: some rocks have a shape of a mushroom. काफ़ी सारी रॉक्स जो हैं उनकी शेप कैसी है, मशरूम के जैसी, वो क्यों है? बिकॉज विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. क्योंकि विंड क्या करती है, लोअर सेक्शन को ज़्यादा इफेक्ट करती है बजाय कि अपर पार्ट के. सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. तो इस तरह की जो रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे का हिस्सा जो है वो नैरो बेस पे रहता है एंड ऊपर का जो हिस्सा है वो वाइडर कंसर्न क्रिएट करता है. जैसे एक मशरूम होती है नीचे से छोटी पतली और ऊपर से फैली हुई, तो इस तरह की शेप ले लेती है, इसलिए इन्हें मशरूम रॉक्स का नाम दिया गया या शेप ऑफ मशरूम कहा गया. फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. फ्लड प्लेन्स जो हैं वो काफ़ी फर्टाइल हैं. व्हाट्स द रीज़न? फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स. जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है अपने बैंक्स पर, इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स विच आर वेरी फर्टाइल. तो ये क्या करती है, अच्छी मिट्टी, फाइन सोइल की एक लेयर या और सेडिमेंट्स जो हैं वो वहाँ पर जमा कर देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा. नेक्स्ट इज, सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स व्हेन कैविटीज बिकम बिगर. तो क्या हो रहा था, वहाँ पे जो छोटे छोटे जो है सुराख होने शुरू हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं पहले, फिर वो होल्स बड़े होते चले जाते हैं और क्या हो जाता है, लास्ट में सिर्फ रूफ रह जाती है उसकी. ओनली द रूफ ऑफ द केव मेन सी आर्क्स आर फॉर्म्ड. तो क्या बनते हैं वो, सी आर्क्स. वी मे सी दिस इन द पिक्चर इन अवर टेक्स्ट बुक. हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर एक पिक्चर शो की गई थी जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी, सी केव्स या सी आर्क्स जो हैं उसमें दिखाई गई हैं. फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. तो क्या होता है, ये रूफ को तोड़ देता है और सिर्फ दीवारें रह जाती हैं लास्ट में. दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स. तो फिर उन हिस्से को क्या कहा जाता है, लास्ट में स्टैक्स कहते हैं उनको. जब ऊपर का हिस्सा टूट जाता है, साइडें टूट जाती हैं, सिर्फ एक दीवार सी फिगर जो है रह जाती है, तो दीज वॉल्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स. बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयनेस कंडीशन होती है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और काफ़ी सारा डिस्ट्रॉय होता है, नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा. ड्यूरिंग अर्थक्वेक द सर्फेस स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच लीड टू शेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स बिल्ट ऑन द अर्थ सर्फेस. तो अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थ का जो सर्फेस है वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है, हिलता है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर बनी हुई जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो हिलने लग जाते हैं. एंड दस बिल्डिंग कोलैप्स. और इस तरह से बिल्डिंग्स जो है गिर जाती हैं, ढह जाती हैं. Now we will do exercise question from chapter 4, air. What is atmosphere? The thin layer of the air that surrounds the earth is atmosphere. तो air की एक पतली सी layer है, एक छोटी सी पतली सी परत जो है हवा की, जो हमारे आसपास है, हमारी surrounding area के अंदर जो है वो क्या कहलाती है, atmosphere. It protects us from harmful rays of the sun. और ये किससे बचाती है हमें, सन से निकलने वाली जो harmful rays हैं उनसे हमारा बचाव करती हैं.
विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर, कौन सी दो गैसेज हैं जो एटमोसफेयर का काफ़ी सारा हिस्सा जो है तैयार करती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज दैट मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है हमारे एटमोसफेयर में इन दो गैसेज का होता है। विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कौन सी गैसेस क्रिएट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर। सन की जो हीट आती है तो उस हीट को कूल करने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रीनरी। तो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गेन करते हैं। तो क्या होता है, वो एक बैलेंस बना रहता है, इको बैलेंस बना रहता है, और इस चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफियर, जो बैलेंस बनाते हैं उसके गैसेस का। वट इज वेदर, वेदर क्या है, वेदर इज आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर, क्या होता है हर घंटे के बाद हर दिन एक नया जो है मौसम होता है, थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, कभी हीट होती है कभी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ये चेंज होता रहता है वेदर। इट चेंजेस ऑन डेली बेसिस, तो हर रोज़ का एक नया मौसम होता है, हर रोज़ का एक नया अच्छा माहौल होता है। किसी दिन हम कहते हैं बारिश हो रही है, किसी दिन कहते हैं हम धूप निकल आई, ठंड हो गई, तो रोज़ हर चीज़ नई दिखती है हमें। नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तीन टाइप्स कौन कौन से थे रेनफॉल के, हमने लेसन में रीड किया था जो, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड वाज कन्वेंशनल रेनफॉल। व्हाट इज एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये क्या है, डिफाइंड एज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, हवा का जो दबाव रहता है उस चीज़ को नाम दिया जाता है एयर प्रेशर का। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद हाइट, तो सी लेवल पे ज़्यादा रहता है प्लेन नीचे का जो एरिया है, और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं माउंटेंस की तरफ तो वहाँ पे क्या होता है, एयर जो है कम हो जाती है, और हमें या तो स्पेशल सूट्स पहनने पड़ते हैं या फिर उसके लिए कोई गैस वगैरह साथ में लेके जानी पड़ती है हमें। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो, उनके लिए स्पेशल ड्रेस पहनाई जाती है उन्हें, जो एयर बैलेंस को बनाए रखें। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड्स। तो परमानेंट विंड्स क्या होती हैं, द ट्रेड विंड्स जिन्हें कहा जाता है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज से जो अलग अलग साइड से चलती हैं, वेस्ट से जो चढ़ती हैं चलती हैं और ईस्ट से जो चलती हैं वो परमानेंट विंड्स में आती हैं। दीज ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये क्या होता है पूरे साल एक ही डायरेक्शन में जो है चलती हैं। सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, तो अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन जो है मूव कर लेती हैं। सिंपली जैसे मानसून होता है, मानसून आता है और फिर थोड़े समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद मानसून चला जाता है, फिर से अलग मौसम आ जाता है। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओवर ए लिमिटेड एरिया, एक छोटे से एरिया के अंदर चलने वाली जो विंड है। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, तो किसी डे की अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ टाइम के लिए इस तरह की विंड्स जो हैं चलती हैं। जैसे समर्स के अंदर दोपहर के समय क्या कहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, लू चल रही है, तो वो इस तरह की लोकल विंड्स हैं। नेक्स्ट इज रीजंस, वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे,
गीले कपड़े जो हैं ह्यूमिड डे के दौरान जल्दी से सूखते क्यों नहीं है, टाइम क्यों लगता है उन्हें? क्योंकि जब हीट होती है, धूप होती है, तब तो वो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है कि बारिश वाला मौसम होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कपड़े सूखते नहीं है जल्दी से, क्योंकि वाटर वेपर होते हैं उस समय। बिकॉज ऑन ए ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी हैज़ वाटर वेपर। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो इंसोलेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हुए। इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर की जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। तो सनलाइट जो है वो कैसे रहती है, इक्वेटर पर तो रहती है वर्टिकल, ड्यू टू दिस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। और इसी वजह से इंसोलेशन जो है इक्वेटर से पोल्स की तरफ कम होता जाता है। इन असाइनमेंट क्वेश्चंस वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। द इनकमिंग एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज टर्म्ड एज इंसोलेशन। आवर एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा एटमोसफेयर जो है, 5 लेयर्स हैं इसकी। मेजोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। कहाँ तक है मेजोस्फेयर, 80 किलोमीटर तक की हाइट तक। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज, ऊपर का जो पार्ट है अपर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है, एग्जोस्फेयर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, द एयर प्रेशर इज डैश एट सी लेवल। तो नीचे क्या था, सी लेवल पर ये हाईएस्ट होता है, और जैसे जैसे हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहाँ पर एयर प्रेशर जो है लो हो जाता है, कम हो जाता है वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज चैप्टर 3 और 4 ऑफ ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक फॉर मॉक टेस्ट। थैंक यू।